नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। मैं हूं आपके साथ अंजलि। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले की। हालांकि ये सुसाइड का केस आप सबके लिए नया नहीं होगा, आप सबको इसके बारे में जानकारी होगी क्योंकि ये बहुत ही पुराना मामला है, लेकिन एक बार फिर से सुर्खियों में आने के पीछे की वजह है आरोपी गोपाल कांडा का बरी हो जाना। जी हाँ, गोपाल कांडा जो कि इस पूरे सुसाइड केस में आरोपी थे, उन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया है। क्यों बरी किया गया, क्या थी गीतिका की कहानी और गोपाल कांडा और गीतिका के बीच क्या थे संबंध, आज इन सभी सवालों का जवाब इस पूरे वीडियो में हम आपको देने वाले हैं सिलसिलेवार तरीके से। सबसे पहले जो ताज़ा मामला है, इस पूरे मामले में जो अपडेट है, डेवलपमेंट है, उसके बारे में आपको बता देते हैं। गोपाल कांडा को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है। वजह ये थी कि गोपाल कांडा के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले, पर्याप्त सबूत ना होने की वजह से कोर्ट ने गोपाल कांडा को बरी कर दिया और खुद गोपाल कांडा ने ये कहा भी। साथ ही गोपाल कांडा के साथ ही इस पूरे मामले में जो सह आरोपी हैं उनको भी बरी कर दिया गया है। आरोपी अरुणा चड्ढा को भी बरी किया गया है। अरुणा चड्ढा का क्या रोल था इस पूरे केस में, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि जब गीतिका ने आत्महत्या की थी, सुसाइड किया था, उस दौरान गीतिका प्रेग्नेंट थी। जी हाँ, गीतिका के पेट में एक बच्चा था। गीतिका का एक बार नहीं बल्कि 4 बार अबॉर्शन हुआ था और वो भी सिर्फ 23 साल की उम्र में। ये पूरी जो कहानी है वो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। एक एक करके पूरे मामले को आपको समझाते हैं। गीतिका और गोपाल कांडा के बीच में क्या संबंध थे। दरअसल जो कंपनी है गोपाल कांडा की, MDLR कंपनी, उस कंपनी में नौकरी के लिए आई थी गीतिका और उस दौरान गीतिका की उम्र थी सिर्फ 18.5 साल के करीब। और कहा जाता है कि उस दौरान गीतिका ने अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं किया था। बावजूद इसके कैसे गीतिका को नौकरी मिल गई और गोपाल कांडा की कंपनी में इतने बड़े पद पर भी बिठा दिया गया। बताया जाता है कि 2012 की बात है जब गीतिका शर्मा ने अपने दिल्ली के घर में सुसाइड किया था। सुसाइड करने के पीछे जो बड़ी वजह थी वो गोपाल कांडा खुद थे। गोपाल कांडा का नाम गीतिका ने अपने सुसाइड लेटर में लिखा था और कहा था कि अरुणा चड्ढा और गोपाल कांडा उसकी मौत के पीछे जिम्मेदार हैं। इस लेटर के सामने आने के बाद गोपाल कांडा काफ़ी सुर्खियों में आ गए थे। उस दौरान वो हरियाणा सरकार में मंत्री पद पर थे, उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त किया गया, रिज़ाइन देना पड़ा और उसके बाद गोपाल कांडा को फौरन अरेस्ट भी कर लिया गया था। 18 महीने तक गोपाल कांडा जेल में रहे थे। उसके बाद ये पूरा केस चलता रहा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती रही, लेकिन गोपाल कांडा के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे पुलिस के पास, इसलिए कोर्ट ने आखिरकार 11 साल बाद गोपाल कांडा को बरी कर दिया। अब देखिए कोर्ट में हुआ क्या। कोर्ट में दरअसल पुलिस ने गोपाल कांडा को लेकर के ये कहा कि जिस दौरान गीतिका ने आत्महत्या की थी और गीतिका के पेट में जो बच्चा था वो किसी और का नहीं बल्कि खुद गोपाल कांडा का ही था। हालांकि जो पुलिस दावा कर रही थी उसे वो साबित नहीं कर पाई क्योंकि पुलिस के पास पर्याप्त सबूत नहीं थे। और जो गोपाल कांडा के वकील थे उन्होंने कहा कि 5 महीने और लगभग 4 महीने से गोपाल कांडा और गीतिका के बीच मुलाकात भी नहीं हुई थी, तो आखिर गीतिका के पेट में पल रहा बच्चा गोपाल कांडा का कैसे साबित हो सकता है। जाहिर बात है कि पुलिस के पास जब सबूत नहीं थे तो कोर्ट की तरफ से पुलिस को फटकार भी लगाई गई। कोर्ट ने कहा कि जब सबूत नहीं है तो आखिर किस आधार पर गोपाल कांडा को दोषी इस पूरे मामले में ठहराया जा सकता है। पुलिस के हाथ खाली थे और इसलिए गोपाल कांडा बरी हो गए। अब ज़रा समझिए कि कहानी शुरू कैसे होती है। ये कहानी शुरू होती है गीतिका जब पहुंचती है गोपाल कांडा की कंपनी, और ये कंपनी बहुत बड़ी MDLR कंपनी है। दरअसल एयरलाइंस कंपनी थी, एयर हॉस्टेस की ट्रेनिंग भी ये कंपनी देती थी। और गीतिका के बारे में कहा जाता है कि गीतिका इस कंपनी में नौकरी के लिए पहुंची थी। गीतिका और गोपाल कांडा के बीच की एक जो कहानी है वो बहुत ही प्रचलित है, लोग इस कहानी का बार बार जिक्र करते हैं। कहा जाता है कि गीतिका जिस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आई थी, जो कंपनी थी MDLR गोपाल कांडा की, गीतिका आई तो उस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए पैदल थी, लेकिन जब वो अपने घर गई तो इसी कंपनी की गाड़ी से गीतिका को उसके घर तक छोड़ा गया। एयरलाइन कंपनी MDLR वैसे तो अपने कर्मचारियों के बैकग्राउंड की पूरी डिटेल खंगालता है, कर्मचारी एजुकेटेड हैं या नहीं है,
और जो क्राइटेरिया है वो मिनिमम ग्रेजुएशन की है, लेकिन गीतिका उस दौरान ग्रेजुएट भी नहीं थी और उसे नौकरी मिल गई। कहा जाता है कि गीतिका शर्मा इकलौती ऐसी कर्मचारी थी जिसके बारे में कोई छानबीन नहीं की गई थी और उसके सामने कोई सवाल तक नहीं रखे गए थे इंटरव्यू के दौरान। ये भी नहीं देखा गया था कि गीतिका इस पोस्ट के लिए क्वालिफाइड है या नहीं है। कंपनी में वो इंटरव्यू के लिए आई तो थी लेकिन इंटरव्यू के किसी क्राइटेरिया पर फिट नहीं बैठ रही थी, उसके बावजूद उसे नौकरी मिल गई। आप यकीन मानेंगे, सीनियर सेकेंडरी भी कंप्लीट गीतिका का नहीं हुआ था और उस दौरान वो सिर्फ अपने 12th बोर्ड के रिजल्ट का वेट कर रही थी। 12वीं की परीक्षा भी पूरी नहीं कर पाई थी गीतिका उस दौरान जब उसे ये नौकरी ऑफर की गई थी। कहा यह भी जाता है कि गीतिका एक बार कंपनी में ऑफिस में नहीं आ पाई थी किसी वजह से, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट में पढ़ने गई थी। अब गीतिका ने ये जानकारी कंपनी को नहीं दी थी। गोपाल कांडा ने जब ऑफिस में फ़ोन करके पूछा कि गीतिका आखिर ऑफिस क्यों नहीं आई है और जब बताया गया कि गीतिका ने कोई कारण नहीं बताया है, तो गोपाल कांडा उसके पीछे पीछे उस इंस्टीट्यूट में पहुंच गए जहां पर गीतिका पढ़ती थी। ये देख करके खुद गीतिका भी हैरान थी और गीतिका के साथ साथ जो इंस्टीट्यूट के कर्मचारी थे वो भी हैरान थे। इस किस्से से आपको बहुत कुछ साफ हो गया होगा कि आखिर गीतिका और गोपाल कांडा के बीच की कहानी पूरी थी क्या। ये अलग बात है कि गीतिका जब इस दुनिया में नहीं है, उसने सुसाइड कर लिया है, तो गोपाल कांडा खुद को बेकसूर बता रहे हैं और कह रहे हैं कि उसके इस आत्महत्या के पीछे मेरा कोई रोल नहीं है। इस पूरे सुसाइड केस का सिर्फ यही पहलू नहीं है कि गीतिका ने आत्महत्या की, बल्कि गीतिका का पूरा परिवार बर्बाद हो गया। जी हाँ, गीतिका ने जब सुसाइड किया उसके 6 महीने के बाद उसकी माँ ने भी सुसाइड कर लिया था। गीतिका के परिवार वालों का ये कहना है कि गोपाल कांडा बार बार उसके परिवार को टॉर्चर करता था, लगातार उसे धमकियां मिल रही थी, इसी से तंग आकर के गीतिका की मां ने अपनी बेटी की याद में और परेशान होकर थक हार कर 6 महीने बाद सुसाइड कर लिया। तो ये थी गीतिका और गोपाल कांडा के बीच की कहानी। वो कहते हैं ना कि अगर कोर्ट जो है, अदालत जो है, वो किसी की भावनाओं से नहीं चलता है, साक्ष्य से चलता है, एविडेंस से चलता है, और जब तक किसी भी आरोपी के खिलाफ कोर्ट में एविडेंस पेश नहीं किए जाते तब तक कोर्ट उसे दोषी करार नहीं दे सकता है। आप सोच रहे होंगे कि जब गीतिका ने अपने सुसाइड नोट में गोपाल कांडा का नाम लिख दिया उसके बाद भी गोपाल कांडा को दोषी क्यों नहीं माना गया। तो देखिए, कानून का एक पहलू है कि जब तक किसी भी आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिलते हैं उसे दोषी साबित करने के लिए, तब तक अदालत उसे दोषी नहीं मानता है। हालांकि ये अलग बात है कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई सुसाइड नोट छोड़ता है या किसी के बारे में ये कहता है उसका परिवार या वो खुद भी अपने किसी भी बयान में मरने से पहले कि फला व्यक्ति की वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूँ, उसके तहत एक नियम आईपीसी की धारा 306 के तहत ये भी आता है कि अगर कोई व्यक्ति आप पर इतना दबाव बनाता है, आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है कि आप आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएं, तो अधिकतम 10 साल की सज़ा हो सकती है, लेकिन वो भी तब जब उस आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत पुलिस के पास हो जो कि वो कोर्ट में पेश करे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर जो आरोपी है वो बरी भी हो सकता है। तो ये हमारे देश का कानून और ये है पूरी गीतिका और गोपाल कांडा के बीच की कहानी। अब आप ही तय करिए कि आखिर गीतिका को किसने मारा। क्या सिर्फ आत्महत्या ही गीतिका की कहानी थी, खुद को ख़त्म कर देना ही गीतिका की कहानी थी। महज 23 साल की उम्र में 4 बार उसका अबॉर्शन होता है और उससे टॉर्चर किया जाता है, उसके पूरे परिवार को प्रताड़ित किया जाता है, बावजूद इसके जिसके बारे में गीतिका पूरी दुनिया के सामने कह के गई अपने सुसाइड नोट में कि गोपाल कांडा उसकी मौत के पीछे का दोषी है, वो आज बरी है क्योंकि गोपाल कांडा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।